हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकूतपुरे में एक घर में गैस सिलेंडर और पटाखों में अचानक आग लगने से खौफनाक आतिशजदगी का हादसा रोनुमा हुआ। इस हादसे में मोहन लाल, जिनकी उम्र 55 साल थी, और उनकी बीवी उषाबाई, उम्र 50 साल, दोनों हलाक हो गए। इस हादसे में एक और लड़की 15 साल श्रुति शदीद तौर पर झुलस गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज मौके पर पहुंचे। मुकामी अफराद ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचने पर मोहन लाल और उषाबाई को मुर्दा करार दे दिया गया, जबकि श्रुति को यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने यशोदा हॉस्पिटल में श्रुति से मुलाकात की और इस बात को यकीनी बनाया कि इसकी मुनासिब देखभाल की जाए। इस वाक़े ने इलाके में अफसोदगी का लहर पैदा कर दी। बाजू में छोटा चंद्रा नगर है, वहाँ पे एक हादसा पेश आया आग लगने की तरफ से। इमीडिएट जैसे ही मालूम हुआ ये हादसा 10:30 के टाइम पे, तो घर में गैस सिलेंडर को आग लगने की तरफ से दूसरे सामान आने चले, जिसके अंदर 3 लोग, एक 2 लेडीज 1 जेंट्स, एक का नाम जेबू है, मोहनलाल दूसरों का नाम है, उषा भाई तीसरों का नाम है। ये तीनों को आग काफ़ी पकड़ी थी। इमीडिएट यहाँ पे एरिए के कारपेटर फौरी जैसे मालूम बाजो हमारे वासिर साहब आए, आके तीनों जो जो आग थे अंदर जाकर इमीडिएट उन लोगों को आग से बाहर निकाले, बाहर निकाल के फौरी ऑटो में डाल के उस्मानिया हॉस्पिटल भी गए। जैसे ही इतना मिली नतीजे मिलना पहले सरस्वती नवीसी साहब ने खास मुझे कहा कि इमीडिएट, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले बाजू कारपेटर पर पहुँच गए और उनको इमीडिएट लेके इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में लिया गया। और जैसे ही इस तमाम चीज़ों की इतना मिली अल्लाह के फल से जानी नुकसान नहीं हुआ। जिन जनों को भाप लगने से जो धुआं आने की तरफ से तरह उन लोगों की बिगड़े थे, अभी इन शाह हॉस्पिटल में खुद जा रहा हूँ, देखता हूँ और उन लोगों का मुकदमा इलाज कराते हैं और जो भी गवर्नमेंट से होता है इन लोगों के घर पर हम मदद करेंगे। हमारा काम नहीं है, हम यही चाहते हैं कि खुदा ना खासा किसी को कोई नुकसान होता है या फिर मजलूम को परेशानी आती है तो फौरी रंग से आती है और उन्हों की मदद के लिए रहती है। मैं तमाम बस्ती के नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो लोग ने बर वक्त आकर न सिर्फ आपको काबू पाया बल्कि लोगों को बड़े हादसे से बचाया। खासतौर से नौजवानों ने घुस के सबको घर से बाहर निकाले और निकालने के बाद में तमाम लोगों को बिठा के उन लोगों की मदद किए हैं। इंशाल्लाह बराबर जो भी हो सकता मैं इससे इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन उन लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।